केमिस्ट्री चैंप्स। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज रिजिड रोटर। रिजिड रोटर हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं, लेकिन आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम ये टॉपिक वापस से हमें समझना है, तो इसीलिए आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज रिजिड रोटर। तो रिजिड रोटर सबसे पहले होता क्या है? रिजिड रोटर हमारे पास एक मैकेनिकल मॉडल है जिसके अंदर हमारे पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा और वो क्या करेगा, अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे रोटेट करेगा। तो उसी का हम क्या स्टडी करने वाले हैं, सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम डिस्कस करेंगे, देन हम डिस्कस करेंगे उसकी रोटेशनल एनर्जी। सो इसके लिए हम सबसे पहले क्या कंसिडर करेंगे, हमारे पास एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और एटम्स को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे एज अ बोन। तो ये एक हमारे पास बोल है, इसी तरीके से सेकंड बोल हम कंसीडर करेंगे। तो ये हमारे पास दो बोल्स हैं, जो हमारे पास फर्स्ट बोल है इसका मास होगा m1, सेकंड बोल का मास हमने कंसीडर किया है m2, और इन बोल्स को हमने क्या बोला है, दीज आर एटम्स। ओके, सो एटम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय दीज बोल्स एंड वन बोल हैविंग मास m1, सेकंड इज हैविंग m2। सो फर्स्ट बोल के पास m1 मास है, सेकंड के पास m2 मास है, और दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया है एक रिजिड बार से। मतलब ये जो हमारे पास रिजिड बार है ये मूव नहीं करेगी, ठीक है, ये इस तरीके से मूव नहीं करेगी, क्योंकि ये हमारे पास बार कैसी है, रिजिड है। लाइक हमने क्या किया है, एक रोड यहाँ पे लगा दी है, आयरन रोड, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास ये क्या है, रिजिड बार प्रेजेंट है। अब जो रिजिड बार की जो हमारे पास लेंथ है, हमने यहाँ पे अटैच की है फ्रॉम द मिडल पोर्शन, सो जो आर, ये जो हमारे पास लेंथ होगी किसकी, लेंथ ऑफ दिस रिजिड बार इज आर। हमने कंसीडर किया कि यहाँ पे हमारे पास कोई एक पॉइंट है सी, यहाँ पे हमने क्या किया एक्सिस पास की सी पॉइंट से, ठीक है, ये हमारे पास सी पॉइंट है, यहां से हमने क्या की एक्सिस पास की। अब इसके ऊपर क्या हो रहा है, ये हमारे पास एक्सिस है, इसके अराउंड क्या कर रहे, दोनों मॉडल क्या है, रोटेट कर रहे सिर्फ इस एक्सिस के ऊपर। सो सी हमारे पास वो एक्सिस हो गई जहां पे हमारे पास क्या हो रहे हैं, ये जो डायटॉमिक मॉलिक्यूल है वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो हमने यहाँ पे कंसीडर किया m1 से जो c का डिस्टेंस है वो r है, ठीक है, m2 से लेके c का जो डिस्टेंस है वो r2 है, क्लियर। तो सबसे पहले हमने क्या कंसीडर किया, टू बॉल्स रिप्रेजेंटेड बाय टू एटम्स रिप्रेजेंटेड बाय बॉल्स, एटम्स रिप्रेजेंटेड बाय बॉल्स हैविंग मास m1 एंड m2, ठीक है, एंड कनेक्टेड विद अ रिजिड बार, एंड कनेक्टेड विद अ रिजिड बार, ठीक है। नाउ सी इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वेयर डायटोमिक मॉलिक्यूल विल रोटेट। सो यहाँ पे हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल क्या होगा, रोटेट करेगा। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर डायटोमिक मॉलिक्यूल क्या करेगा, रोटेट करेगा। जब हमारे पास ये रोटेट करेगा तो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास वैल्यू किसकी है, आर की। आर हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए, दिस इज टोटल आर, बार लेंथ है। अगर हम इन टर्म्स ऑफ r1 r2 की बात करें, सो ये जो r है किसके इक्वल है, r1 प्लस r2। सो हम r को क्या लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू r1 प्लस r2। इस इक्वेशन को हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम यहाँ पे बात करें एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस डायटोमिक मॉलिक्यूल, सो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2 हो जाएगा, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर ये हमारे पास इक्वेलिटी इक्वेशन आएगी, दैट इज m1 r इज इक्वल टू m2 r2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर हम बात करें किसी भी एक सिंपल एटॉमिक मॉलिक्यूल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो क्या होता है, वो होता है I इज इक्वल टू mr2। ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी सिंपल मॉलिक्यूल का। अगर हम यहाँ पे बात करें किसकी, डायटोमिक मॉलिक्यूल की, तो यहाँ पे हमारे पास दो एटम्स है, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा m1 r1 square प्लस हमारे पास सेकेंड मॉलिक्यूल भी है, दैट इज m2 r2
स्क्वेयर. सो ये आ जाएगा हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डायटोमिक मॉलिक्यूल. तो इसमें हमको किसकी वैल्यू चाहिए, R1 R2 की वैल्यू चाहिए इसमें पुट करने के लिए. तो सबसे पहले हम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को यूज करके R1 R2 की वैल्यू निकालेंगे, देन थर्ड इक्वेशन में हम पुट कर देंगे. सो बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन वन, हम इक्वेशन वन हमारे पास ये है, यहां से हम R1 की वैल्यू निकालेंगे. सो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 दिया है. R1 क्या हो जाएगा, R माइनस R2, ये हो जाएगा R माइनस R2. अभी R1 की वैल्यू हम कहां पुट करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में. सो पुट R1 इन इक्वेशन टू. सो हमारे पास इक्वेशन टू है M1 R1 इज इक्वल टू M2 R2. हमारे पास R1 की वैल्यू है R माइनस R2. सो M1 दिस इज R माइनस R2, दिस इज M2 R2. अब हम ये जो ब्रैकेट है इसको ओपन कर लेंगे. सो M1 R माइनस M1 R2 is equals to M2 R2. So, यहाँ पे हमारे पास M1 R है, ये R2 की टर्म है, this is also R2 terms. So, इसको हम इधर ले लेंगे. So, M1 R is equals to M2 R2 plus M1 R2. अब यहाँ पे हमारे पास M1 R आ जाएगा, यहाँ से क्या कॉमन है हमारे पास, ये R2 कॉमन है. So, यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे R2. This is M2 plus M1, ठीक है. M1 plus M2 भी इसको हम लिख सकते हैं. So M1 R is equals to R2 M1 plus M2. यहां से R2 की वैल्यू निकल जाएगी. R2 की वैल्यू क्या आई हमारे पास, R2 की वैल्यू हमारे पास आ गई है यहां पे M1 R, ये डिवाइड में चली जाएगी. So M1 plus M2. So ये हमारे पास वैल्यू आ गई है R2 की जिसको हम यूज करेंगे. सिमिलरली हम यहाँ पे वैल्यू किसकी निकालेंगे, हम वैल्यू निकालेंगे R2 की. सो सिमिलरली हमारे पास R क्या था, R1 प्लस R2. हमने R1 की टर्म्स में निकाले थे, अब हम R2 की टर्म्स में निकालेंगे. सो R माइनस R1 आ जाएगा. अब हम करेंगे पुट इन इक्वेशन टू, सेकेंड इक्वेशन में हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे. सो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है M1 R1 is equals to M2 R2. इसमें हम पुट करेंगे M1 R is equals to R2 की वैल्यू पुट. सो M2 दिस इज R माइनस R1. वापस से हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे. सो M1 R1 is equals to M2 R माइनस M2 R1. यहाँ पे हमारे पास R1 की टर्म है, ये भी R1 की टर्म है. सो इसको हम इधर लेंगे M1 R1 plus M2 R1 is equals to M2 R. यहाँ से R1 हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे R1 M1 plus M2 is equals to M2 R. ये हमारे पास इक्वेशन आ गई. यहाँ से R1 की वैल्यू निकल जाएगी. R1 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, M2 R, ये टर्म क्या हो जाएगी डिवाइड में M1 plus M2, ठीक है. सो ये हमारे पास R1 की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास R2 की वैल्यू आ गई. सो हम R1 की वैल्यू यहां लिख लेते हैं बिकॉज हम R1 R2 की वैल्यू यूज करेंगे. हमारे पास R1 की वैल्यू आई है M2 R डिवाइडेड बाय M1 plus M2. ओके दिस इज डन. नाउ वी विल पुट इन इक्वेशन नंबर थ्री. सो हमारे पास इक्वेशन थ्री जो थी, दैट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल. सो आई हमारे पास था एम वन आर वन स्क्वेयर प्लस एम टू आर टू स्क्वेयर. सो इसके अंदर हमको किसकी वैल्यू पुट करनी है, आर वन की एंड आर टू की. सो आई हमारे पास क्या आया, एम वन आर वन की वैल्यू क्या है, एम टू आर डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू इसका होल स्क्वेयर. सो स्क्वेयर ऑफ दिस वन एंड स्क्वेयर ऑफ दिस वन ऑल्सो. ओके प्लस एम टू दिस इज आर टू. आर टू हमारे पास ये है, आर टू की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एम वन आर इसका होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू होल स्क्वेयर. अब इसको सिंपली हमको सॉल्व करना है तो हमें हमारी वैल्यू मिल जाएगी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की. एम वन इसका स्क्वेयर ओपन करेंगे सो एम टू होल स्क्वेयर आ जाएगा, यहां पे R स्क्वेयर आ जाएगा प्लस डिवाइड बाय M1 प्लस M2 होल स्क्वेयर.
इसी तरीके से यहाँ पे M2 है हमारे पास, M1 का होल स्क्वायर R स्क्वायर डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 होल स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है, एलसीएम सेम है यहाँ पे, तो हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, एलसीएम ले लिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा M1 प्लस M2 होल स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास क्या है M1 M2 होल स्क्वायर R स्क्वायर, यहाँ पे क्या है M2 M1 स्क्वायर R स्क्वायर। अब हम ये देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीजें यहाँ पे कॉमन है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें M1 है, यहाँ पे M2 भी है, R स्क्वायर भी है। अगर यहाँ पे देखें M2 भी है, M1 भी है, R भी है, तो हम सब चीजें यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे M1 M2 R स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्योंकि एक M1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, M21 यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे जब हमने कॉमन लिया, M1 कॉमन ले लिया, M2 यहाँ से कॉमन लिया, एक ही लिया है सिर्फ, R स्क्वायर पूरा कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा M2, ठीक है। इसी तरीके से M2 कॉमन ले लिया, M1 एक कॉमन ले लिया, R स्क्वायर ले लिया, तो यहाँ पे हमारे पास प्लस में क्या बचा M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये M2 प्लस M1 है, इसको M1 प्लस M2 भी हम लिख सकते हैं। सो हमारे पास सेम ही रहेगा M1 M2 R स्क्वायर, दिस इज M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से ये जो एक पावर है कट जाएगी, क्योंकि ये डिवाइड में है, ठीक है। सो M1 M2 R स्क्वायर डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, आई की, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो हमारे पास लास्ट जो इक्वेशन आई है, दैट इज आई इज इक्वल टू एम वन एम टू डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू इंटू आर स्क्वायर। और ये जो हमारे पास एम वन एम टू डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू होगा, ये क्या होगा, रिड्यूस्ड मास। सो इसको हम रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, म्यू के साथ, म्यू आर स्क्वायर, वेयर म्यू इज इक्वल टू एम वन एम टू डिवाइडेड बाय एम वन प्लस M2। तो ये आ जाएगा हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। ये तो आ गया हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं रोटेशनल एनर्जी की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल का जो है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेव फंक्शन लेंगे। दिस इज डन, ओके। सो एंगुलर मोमेंटम लेंगे सबसे पहले हम किसका, डायटोमिक मॉलिक्यूल का। सो डायटोमिक मॉलिक्यूल का जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल के साथ। यह है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। ये किसके इक्वल होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर, ठीक है। नाउ आई इंटू ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम हो गई हमारे पास। अगर हम यहाँ पे बात करें किसी भी क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम की, तो उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू एल इज इक्वल्स टू j into j plus 1 एच बाय 2π। एंड यहाँ पे हमारे पास जो j की वैल्यू होती है, दैट इज 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई एंगुलर मोमेंटम की, जब हमारे पास कोई भी डायटोमिक मॉलिक्यूल क्या है, क्वांटाइज्ड है। अब अगर यहाँ पे बात करें हम रोटेशनल एनर्जी की, सो रोटेशनल एनर्जी हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, रोटेशनल एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर। ये हमारे पास होता है ईजे वैल्यू, दैट इज रोटेशनल एनर्जी ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो अब हमको ये जो एनर्जी है वो फाइंड आउट करनी है किसके लिए, डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए। तो सिंपली ईजे वैल्यू दी है किसी भी एक मॉलिक्यूल के लिए, अब हम डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए किस तरीके से निकालेंगे, ईजे इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास गिवन है। अब हमको पता है यहाँ पे आई ओमेगा क्या होता है, एल होता है, तो इसको हम आई ओमेगा की टर्म में कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हाफ, अब मैंने क्या किया आई ओमेगा स्क्वायर है यहाँ पे, आई से मल्टीप्लाई कर दिया, आई से डिवाइड कर दिया, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, हाफ आई ओमेगा होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, क्योंकि आई आई यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय आई, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ यहाँ पे आई आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल, ठीक है। तो इसको हम किससे कंसिडर कर सकते हैं, आई ओमेगा इज इक्वल टू एल, तो ये एल बाय
टू आई हमारे पास आ गया, ठीक है, एल बाय टू आई, ये एल है, ये होल स्क्वायर है, सो स्क्वायर आ गया, ठीक है, ये स्क्वायर आ गया, यहाँ पे हम एल की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, सो ये आ जाएगा रूट जे इंटू जे प्लस वन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू आई। सो हमने यहाँ पे सिंपली क्या किया है, ये जो एल है हमारे पास वैल्यू दी थी जे इंटू जे प्लस वन एच बाय टू पाई, ये हमने यहाँ पे पुट कर दी, एल यहाँ पे हमारे पास एच बाय टू पाई भी है, सो एच बाय टू पाई होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, सिंपली इसको सोल्व कर देंगे, ये स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सो दिस इज एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास फोर, दिस इज पाई स्क्वायर इंटू टू आई, सो हमारे पास सिंपली आ गया एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय इंटू जे इंटू जे प्लस वन भी है हमारे पास, ये स्क्वायर कैंसिल हुआ है इंटू जे इंटू जे प्लस वन, ठीक है, हमारे पास वैल्यू क्या आई है एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर पाई, दिस इज फोर इंटू टू सो एट पाई स्क्वायर, वी विल राइट एट पाई स्क्वायर आई इंटू जे प्लस वन, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई ईजे की, फॉर अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, दैट इज रोटेशनल एनर्जी ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। नाउ इफ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ जे दैट इज रोटेशनल एनर्जी लाइक जीरो वन टू थ्री, सो वी विल गेट अवर रोटेशनल एनर्जी ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, सो नाउ अवर ईजे इज इक्वल टू एच स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एट पाई स्क्वेयर आई इंटू जे इंटू जे प्लस वन। नाउ फर्स्ट वी विल पुट द वैल्यू ऑफ जे इज इक्वल टू जीरो, सो ई जीरो इज इक्वल टू एच स्क्वेयर, दिस जीरो इंटू जीरो सो होल टर्म इज जीरो, नाउ ई वन, नाउ वी विल पुट वन, सो एच स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एट पाई स्क्वेयर आई, हियर वन इंटू वन प्लस वन, सो टू इंटू वन दिस इज टू, सो दिस विल बी टू एच स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एट पाई स्क्वेयर आई, एंड वी कैन फर्दर सॉल्व दिस, टू एच स्क्वेयर दिस टू विल बी कट, फोर विल कम एच स्क्वेयर डिवाइडेड बाय फोर पाई स्क्वेयर आई। नाउ ई टू सेम एच स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एट पाई स्क्वेयर आई, हियर टू इंटू टू प्लस वन, टू इंटू टू प्लस वन, सो थ्री इंटू टू हेयर सिक्स विल कम, सो सिक्स एच स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एट पाई स्क्वेयर आई, सो ये हमारे पास क्या आ जाएगी रोटेशनल एनर्जी फॉर डिफरेंट डिफरेंट लेवल वेयर द वैल्यू ऑफ जे इज गिवन लाइक जीरो वन टू थ्री अप टू सो ओम। एंड यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि इनके बीच में जो है स्पेसिंग प्रॉपर होगी, किस तरीके से, सबसे पहले ईजे की वैल्यू हमारे पास जीरो है तो ये जीरो वैल्यू आ गई, फिर स्पेसिंग क्या है यहाँ पे हमारे पास स्पेसिंग आई टू एच स्क्वेयर बाय एट पाई स्क्वेयर आई, सो टू एच स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एट पाई स्क्वेयर आई, जैसे जैसे यहाँ पे जे की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है स्पेसिंग क्या हो रही है फर्दर इंक्रीज होती जा रही है, लाइक सिक्स बाय एट, यहाँ पे हमारे पास क्या है सिक्स बाय एट एच स्क्वेयर पाई स्क्वेयर आई, ठीक है, जैसे जैसे जे की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है उसी तरीके से यहाँ पे स्पेसिंग भी इंक्रीज होती जा रही है। सो ये थी हमारे पास ईजे वैल्यू दैट इज रोटेशनल एनर्जी फॉर अ रिजिड रोटर, होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा, हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक यू सो मच।